आपके सामने अब तक के मुख्य समाचार। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पंपोर मलिक मोहम्मद याकूब ने आज पुलवामा आतंकी हमले में शहीद हुए वीर जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए लेटपुरा में हुए हमले की जगह फूल बरसाए। उन्होंने कहा कि इन वीर जवानों की शहादत हमेशा याद रखी जाएगी। देखिए, आज आपने यहाँ पे फुलबारी की है, उन शहीदों को याद किया है जिन्होंने 14 फरवरी 2019 को शहादत पाई। आज हम लेटपुरा पुलवामा उसी जगह पे जहाँ हमारे 40 सीआरपी के जवान शहीद हो गए और आज हमें यहाँ उनकी बरसी मनाने आए हैं, उनके यहाँ पर फूल हमने चढ़ाए हैं और हमें भी दुख है कि वो भी हमारे रखवाली करने के लिए यहाँ पे आए थे और अचानक उनके ऊपर जो ब्लास्ट हुआ है जिसमें वो हमारे 40 जवान शहीद हो गए हैं। और आज यहाँ जो हमारा पूरा मकसद यही था कि आज हमने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते और चेयरमैन म्युनिसिपल कमेटी पांपोर की तरफ से हमने यहाँ प्रोग्राम आज मुनक्कद किया है और मैं उन तमाम शहीदों को नमन करता हूँ और जितने भी हमारे शहीद जवान हो गए हमारे जम्मू कश्मीर में ब्लास्ट से मिलिटेंसी के दौरान, और मैं उन तमाम शहीदों को नमन करता हूँ।